नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आस्था पर भारी सिस्टम। जी हां, आस्था पर सिस्टम की मार। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई, लेकिन यात्रा शुरू होते ही सरकार की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में खोल दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे, लेकिन यहां आने के बाद श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीमित संख्या के कारण श्रद्धालुओं का पास नहीं बन पा रहा है और होटल फुल हो चुके हैं। अक्टूबर तक के पास पहले ही जारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ रहा है। सवाल यह है कि अगर सीमित संख्या में यह हाल है तो अगर यह यात्रा सभी के लिए खुल जाती तो क्या हाल होता। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, उससे पहले देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड की लाइफलाइन और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी चारधाम यात्रा कोरोना महामारी के बीच बामुश्किल शुरू हुई। इस यात्रा के शुरू होने के बाद यात्रा से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन यात्रा शुरू होते ही सरकार की तैयारियों की और सीमित यात्रा से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। दिक्कत में हम फंस गया, हम इतना दूर से आया कलकत्ता से, 19 तारीख ट्रेन में सफर करने चला, 21 तारीख हम हरिद्वार आया, 20 तारीख में गवर्नमेंट अनाउंस किया जो सेवास्तम का ये स्लिप चाहिए दर्शन करने का। तो आप बोलिए जी, 19 तारीख हम ट्रेन चढ़ा, 20 तारीख ट्रेन का अंदर है, 21 तारीख सुबह हम पहुंच गया, तो हम कैसे मालूम है ये सेवास्तम का पेपर हम कहां से बनाएगा। हरिद्वार आके कोई साइड में इसका पूरा ब्लॉक बोलता है फुल, अक्टूबर 30 तारीख तक पूरा फुल है। तो हम इतना आदमी सब आया, इतना खर्चा करके यहाँ से क्या देख के हम वापस हो जाएगा। अभी बोलिए, ये गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी। राजस्थान से बद्रीनाथ गए, अभी जाना था केदारनाथ, और क्यों नहीं जा पा रहे। अच्छा, फुल हो गया है, तो अभी आप वापस जाएंगे। वापस तो दर्शन वापस जाएंगे, जाने पड़ेगा गांव। अच्छा, कब तक फुल हो गए यहाँ पे। 6 तारीख से बता रहे, 6 तारीख तक फुल हो गए, और आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए। बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को खोला है, जिसके तहत केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ में 1000 और गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी जा रही है। आज यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार और सह सलाहकार यहाँ पे पहुँचे थे। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके उल्लंघन करते हुए वो जो है आज गर्भगृह में उन्होंने पूजा की है, और आम श्रद्धालु जो कि कोविड रिपोर्ट लेके यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ई पास बना के यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनके लिए जो है कि अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार और सह सलाहकार यहाँ पे पहुँचे बिना प्रोटोकॉल के, बिना कोविड रिपोर्ट के, और उनके लिए गर्भगृह में पूजा की व्यवस्था की गई थी। तो ये सरकार आखिर जताना क्या चाहती है। आम श्रद्धालु यहाँ पे केवल सीमित संख्या में पहुंच रहे हैं और उनको भी यहां पे दर्शन उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। स्लॉट बुक होने की वजह से जो देवस्थानम की साइट है वो पूरी तरह से चल नहीं रही है, और फिर ऊपर से ई पास का है, ई पास भी बना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी यहां पे पूरे यात्री नहीं आ पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी स्लॉट फुल बता रहा है, जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों का भी, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि चलो यात्रा चल गई, थोड़ा सा कुछ आ जाएगा, आर्थिक रूप से थोड़ा कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, लेकिन आज कंडीशन ये है कि कुछ नहीं हो रहा है, सारे लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर यात्रा को बाधित कर चारधाम यात्रा को नहीं चलने देना चाहती। जब हमने चारधाम यात्रा शुरू की थी तो उस दौरान भी जो माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन थी उनका प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ यात्रियों ने उस पर विज्ञापन पर नजर ना गई हो, या जो हमारे उस दौरान के जो है सब प्रवक्ताओं के बयान थे या सरकार के बयान थे किसी ने नहीं सुना होगा, तो उसके लिए भी जो है व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन जो सीमित यात्रा में माननीय उच्च न्यायालय ने जितनी जो है यात्रा की मंजूरी दी है, केवल उतने ही यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकते हैं, उनमें 800 केदारनाथ के लिए, 600 बद्रीनाथ के लिए, 400 गंगोत्री और 400 यमुनोत्री के लिए।
तो इसलिए सीमित मात्रा में ही यात्रा की शुरुआत हुई है। और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का मैं अनुपालन करना है, तो इसलिए उससे ज्यादा हम परमिशन नहीं दे सकते। न्यायालय कह रहा था कि सरकार चारधाम यात्रा के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं थी। और माननीय न्यायालय ने उनसे एश्योरेंस भी मांगा कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप केदारनाथ रूट की बात कर लीजिए, आप बद्रीनाथ रूट की बात कर लीजिए, जगह जगह पर न शौचालय है, न पीने का पानी है, न विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, न यात्रियों के रहने की व्यवस्था सही ढंग से हो रही है। ये अव्यवस्थाएं अभी भी चारधाम यात्रा में रूट में बनी हुई हैं। कल ही आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग में तमाम संगठनों ने उसका विरोध किया है, जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उन्होंने उसका विरोध किया है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि सरकार अपनी ओर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन वो धरातल पर मुकम्मल नहीं दिख रही है। बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसी अव्यवस्थाएं ही देखनी थी तो फिर देवस्थानम बोर्ड का क्या फायदा? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आस्था पर सिस्टम की मार। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जद्दोजहद के बाद शुरू हुई, लेकिन यात्रा शुरू होते ही सरकार की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में खोल दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर हो रहा है। श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है, देवस्थानम बोर्ड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुभाष भटवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। हमारे साथ ब्रजेश सती तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम से जुड़ चुके हैं और शोभन सिंह राणा अध्यक्ष होटल एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लखपत बुटोला जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने सरकार पर सवाल उठाए हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि सरकार चारधाम यात्रा को शुरू नहीं करवाना चाहती थी, और अब ये जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, ये भी सरकार की ही मंशा है, जिसकी वजह से ये आज अव्यवस्थाएं हमको देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिए जी, सरकार की मंशा उसी दिन गलत लग रही थी जब इन्होंने देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था की जी, और कांग्रेस ने उस समय सड़क पे भी इसका विरोध किया था, संघ सदन के अंदर भी विरोध किया था जी। उसके कुपरिणाम पिछले दो सालों में देखने को मिले हैं। जब आप देखोगे कि सनातन धर्म के सनातन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि भी बदली गई। सनातन इतिहास में सनातन धर्म के साथ ऐसी छेड़खानी पहली बार हुई है कि जो बद्री केदार में जो पूजा का समय था उसको भी बदला गया है। ये जो इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, और भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा है, जब आप उनसे बाइक ले रहे थे, कि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पे, तो सरकार क्या कर रही है? अगर न्यायालय ने भी सब कुछ तय करना है तो सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं? ये बड़ा प्रश्न है। मैं आपसे एक बार निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि हम चमोली जनपद के हैं और बद्री केदार से हमारा बड़ा आत्मीयता का सरोकार है जी। ये यात्रा जिस तरह से, जिस परिस्थितियों से पिछले दो सालों से असमंजस की स्थिति में सरकार ने डाला, इससे पहले कभी नहीं। 2013 में देवी आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा के बावजूद 3 महीने बाद यात्रा सुचारू रूप से चली, लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हुई, और सरकार ने लगातार उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने लगातार सारा बंद करके सारे लोगों को साथ ले जाकर के लोगों का भी, देश और प्रदेश के लोगों का कांग्रेस कृतज्ञ है कि लोगों ने, सरकार ने जो चीजें लोगों से विश्वास मांगा, लोगों ने विश्वास दिया और सरकार उनके साथ खड़ी रही और यात्रा का सुचारू रूप से संचालन हुआ। लोगों की आय भी बढ़ी, पर्यटन का जो हमारा हब है वो भी बढ़ा, और लोगों के आजीविका के साथ साथ लोग भगवानों के दर्शन भी कर पाए। ये आस्था का जो विषय है ये बहुत हटके है। इस पे जिस तरह की भाजपा बार बार राजनीति कर रही, बार बार प्रयोग करना चाह रही, इससे जो हमारा एक सनातन काल से चली आ रही परंपरा है, उस परंपरा के गड़बड़ाने की वजह से ये अव्यवस्थाएं, लगभग जी आप इतना समझा रहे, तो आप ये भी समझाएंगे कि सरकार को इससे क्या फायदा है? सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि चारधाम यात्रा ना शुरू हो सुचारू रूप से? सरकार को भी तो उतना ही नुकसान हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा, सरकारें जब निठल्ली हो, निकम्मी हो और दिशाहीन हो,
तो ऐसा ही होता है। जब आप कोरोना काल में तीन तीन मुख्यमंत्री बदलने पर ध्यान दोगे, एक मुख्यमंत्री को आप 2.5-3 महीने का कार्यकाल दोगे, तो आपका कहाँ ध्यान विकास पर रहेगा, कहाँ आपका पर्यटन पर रहेगा, कहाँ आपके इस तरह के जो धार्मिक बड़े बड़े आयोजन है उन पर रहेगा। आपने उसका उदाहरण कुंभ के अंदर देखा है कि उत्तराखंड के अंदर जो कुंभ में इतनी बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को तो कहते हैं कि ईश्वर तुल्य लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। उत्तराखंड की जो छवि थी पूरे प्रदेश से, जो देश के अंदर और विश्व के अंदर गई, वो क्या गई कुंभ से। 12 साल में हमको मौका मिला, इस सरकार योग्य होती, सरकार एसओपी जो लागू कर रही थी, जो जारी की जा रही थी, उसके हिसाब से चलती, क्यों कोर्ट को इन पे भरोसा नहीं, क्यों आम जन को इन पे भरोसा नहीं। आज कलकत्ता से लोग आ रहे, बम्बई से लोग आ रहे, महाराष्ट्र से लोग आ रहे, लोग आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, बहुत दुर्गम परिस्थितियों में लोग अपना समय बना के। ठीक है लखपत जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। हमारे साथ शोभन सिंह राणा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष होटल एसोसिएशन है। शोभन जी से जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं जो है वो इस चार धाम यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है। शोभन जी, क्या कुछ समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं? धन्यवाद। सबसे पहले डिबेट में आए सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम स्वागत। सबसे पहले मैं के न्यूज इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसका मैं आपसे आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मेरा सबसे पहले सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि आपने हमारी व्यथा का संज्ञान लेते हुए चार धाम यात्रा शुरू की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शुरू करने का जो के है, तो यहाँ पे कई हमारे जो श्रद्धालु हैं वो बहुत परेशान हैं, उनकी कॉल आ रही है कि चार धाम यात्रा शुरू तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं वो हमारे इसमें बड़ी समस्या आ रही है। जैसे सरकार ने ई पास का जो ये रखा है, तो वो हमारा ये कहना है सरकार से, ई पास की वैधता समाप्त की जाए सबसे पहले। और श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कोविड जांच की रिपोर्ट का हम स्वागत करते हैं, उसकी जांच का ये देखें और श्रद्धालु उनको यात्रा करने जाने दिया जाए। और हमारा इसमें ये भी कहना है कि हरिद्वार से या ऋषिकेश से जो भी हमारा यात्रीगण या श्रद्धालु निकलता है, वो जगह जगह चेक पोस्ट है पुलिस द्वारा, तो उनको चेक नहीं किया जाए, अन्यथा परेशान नहीं किया जाए, उनको ये किया जा रहा है। और जिससे हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनके जो आने की, उनके अंदर जो हमारा ये एक नारा है अतिथि देवो भव, लेकिन उससे हम लोग खड़े नहीं उतर रहे। ये सरकार ने कहने के या तो पहले ये संदेश देना था कि अगर चार धाम करने आएंगे आप, तो हमारे यहाँ ये शर्त रखी जाएगी और उसके हिसाब से लोग आते। लेकिन यहाँ पे जगह जगह के जो आ रहे हैं वहां उनको रोका जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि जो हमारी देवस्थान बोर्ड का पोर्टल है वो उसका जो स्लॉट फुल है, और जो देहरादून स्मार्ट सिटी का जो हमारा पोर्टल है उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा मुश्किल हो रखा है। उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको, जो लोग इतने परेशान होने के बाद भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो खामियां हैं, इसको हमको सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी जो भी ये खामियां हैं इसको दूर किया जाए, ताकि हमारे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि जा रहा है आगे, हमने 2022 में यात्रा होनी है, उसका ये संदेश जा रहा है कि अगर सरकार की अच्छी व्यवस्था हो है तो आगे हमारा बहुत अच्छा सीजन चलेगा। लेकिन ये इसमें ये लग रहा है सरकार का, इन्होंने खोल तो दिया है लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, चारों धामों में हाहाकार मच रखी है कि हर कोई यात्री ये बोलने सुनने में आ रहा है कि हम यात्रा कैसे करें। सब जो भी यात्री आ रखा है उसका आपने डिबेट भी सुना होगा, उसकी बाइट भी सुनी होगी जी। शोभन जी, यात्री बुरे तरह से परेशान है जी। शोभन जी, हमारे साथ चटर्जी जी भी जुड़ चुके हैं, श्री कुमार चटर्जी जी हैं, जो कि कोलकाता से आए हुए हैं, यात्री हैं और इन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। श्री कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार आपको। श्री कुमार जी, क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पर देखनी पड़ी हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं। और सुभाष जी, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले हम जो सबसे बड़ा समस्या में आया, जो सबसे बड़ा समस्या देवस्थान का पास, ये देवस्थान पास बोल के जो साइड है,
ये साइड में हम जो कोशिश करते हैं आज लगभग 4 दिन तक आज तक अभी तक साइड ओपन नहीं होता है जी। जो डेट दिखाता है सारी डेट फुल। पहले हम कलकत्ता से 19 तारीख ट्रेन में चढ़ा, 20 तारीख 21 तारीख हरिद्वार सुबह हम पहुंचा, उसमें आके हम मंदिर दर्शन में जाने के लिए देवस्थान का पास चाहिए जी। नहीं तो उसने नहीं देगा। तो ये जो सरकार का जो डिसीजन है, ये डिसीजन तो हम लोग इतना आया, इतना आदमी इतना बच्चा लोग को लेके सब हम घूमने आया भगवान दर्शन करने। हमारा पास कोविड नेगेटिव का सब सर्टिफिकेट है, दोनों वैक्सीन का सब सर्टिफिकेट है, हमारा पास ई पास भी है, जाने का सब ग्रीन कार्ड भी है, सब कुछ बना के हम चलेगा। मगर ये देव दर्शन सब देवस्थान का जो पास, ये पास कहीं पेपर नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, ये पास जरूरत होगा। तो ये सरकार क्यों पहले नहीं बोला? आज हमारा परेशान कितना हुआ, आज 2 दिन हम बारकट में हम बैठे बैठे खाना खाता है और बैठे बैठे बारिश देखता है। अभी तक हम मालूम नहीं जब कब हम चलेगा, यमुनोत्री जाएगा कहाँ, कब हम गंगोत्री जाएगा, कब हम केदारनाथ जाएगा, कब हम बद्रीनाथ जाएगा, तो हम कितना दिन यहाँ पर रुकेगा। हमें इसको प्रोग्राम करके एक हम बाहर से आया इतना आदमी, तो आप लोग सोचता है क्या सोचता है मालूम नहीं। सरकार यहाँ से पहले ही बोलना चाहिए जो मंदिर बंद है कोई नहीं जाएगा। खुलने का बाद इतना ड्रामा करके, इतना आदमी को परेशान करके, रात 12 तक रात 1 तक बोलता है, देखेगा सुबह डीएम साहब का साथ बात चलता है, डीएम बोलता है उसका साथ बात चलता है, वो बोलता है वो फोन करेगा, वो बोलेगा कल 8 बजे आइए, 9 बजे आइए, हम कोशिश करेगा जाने के लिए। आज आज बोल के कल सुबह 5 बजे मेरा को परमिशन दिया सिर्फ यमुनोत्री जाने का। उसके बाद आगे क्या होगा गुस्सा हो गया कि तेरा आदमी बोलता है कि आगे हम ये जाएगा, उसका कोई गारंटी है कि हम केदारनाथ जा सकता, कि बद्रीनाथ जा सकता, कि गंगोत्री जा सकता, वहां पर दर्शन होगा, एक गारंटी कौन है और कौन देगा? तो हम की खाली होटल घूमने आएगा, पहाड़ देख के चला जाएगा कलकत्ता? बिल्कुल आश्रय कुमार जी, कहीं ना कहीं ये तमाम जो समस्याएं हैं वो देखने को मिले। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने यहाँ पर श्री कुमार जी को भी सुना, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन को भी आपने सुन लिया, अध्यक्ष जी को भी सुन लिया है, तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है आपको इस यात्रा को लेकर और इन अवस्थाओं को लेकर? देखिए, ये जो यात्रा हो रही है ये माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रही है, और पूरे कोरोना काल में जब जब भी इस तरह के कार्यक्रम भारतवर्ष में कहीं भी हुए हों और डिजास्टर एक्ट के तहत जो है उन पर नियम आयत हुए हैं, और उन नियमों के तहत जो है चाहे वो कोई मेला रहा हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान कोई काम रहा हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो एक सीमित संख्या में और सीमित गतिविधियों के साथ हुए हैं, और उसी हिसाब से जो है जो चारधाम यात्रा हो रही है, माननीय उच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन उसके लिए जारी की है, और उसके तहत जो भी चार धाम की यात्रा पर आ रहा है उसको देवस्थानम बोर्ड की साइट पर जाकर ई पास की व्यवस्था है उसके संदर्भ में औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। ये तो सभी जो है पूरा हिंदुस्तान जानता है और उसको जानना भी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना काल है, सामान्य काल नहीं है, और यह भी सब लोग जानते हैं कि स्थानीय प्रशासन ने तय किया हुआ है कोरोना काल के जो है अंदेशों को देखते हुए कि बद्रीनाथ में आज कितने लोगों का प्रवास होगा, आज जो है केदारनाथ में कितने लोगों का प्रवास होगा, गंगोत्री में एक दिन कितने कितने लोगों की संख्या होगी, और उसी हिसाब से जो है अब देखिए अगर कोई लोग बिना ई पास के आ रहे हैं तो अब ये विषय अलग है कि जो है उनको जो है जरूर जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो है जो हमारी यात्रा है उसमें कहीं शामिल होने की व्यवस्था हो, लेकिन क्योंकि नियम कानून जो कहता है, जो उच्च न्यायालय के आदेश में वो कहते हैं, आखिर उसका वायलेशन तो नहीं हो सकता है, इसलिए तमाम यात्रियों को औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए, मैं ये मानकर चलता हूँ। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे होटल एसोसिएशन के या तमाम व्यापारी मित्र कह रहे होंगे कि आप जो है यात्रा को असीमित लोगों तक हम केवल इसलिए उसको जो है खुला नहीं कर सकते हैं कि व्यापार जो है का कोई लाभ हमको जो है बढ़ाना है, व्यापारी का लाभ
जो है दृष्टिकोण से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार की जो है कानूनी पेचीदगी है और इसलिए उसको नहीं किया जा सकता है, ये समझना पड़ेगा। और ये यात्रा जो है सीमित संख्या में ही चलेगी नियम कानूनों के हिसाब से। और अव्यवस्था की जहां तक आपने बात कही, देखिए पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यात्रा को संचालित कर रहा है, जगह जगह पर जहां जहां पर नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं, जो आपने देवस्थानम बोर्ड की बात करी है वहां पर शौचालयों की व्यवस्था। सुभाष जी सुनिए, देवस्थानम बोर्ड की आप बात कर रहे हैं तो देवस्थानम बोर्ड में जो ई पास है वो जारी नहीं हो रहे हैं। जब वहां पर यात्री पहुंचते हैं तो होटल जो है वो फुल हो चुके हैं, दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर यात्री मजबूर हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। तो ये अव्यवस्थाएं तो हुई और कहीं ना कहीं अब देवस्थानम बोर्ड पर भी सवाल उठने लगे। नहीं नहीं सवाल तो उठेंगे ही। देखिए बात ये है कि जब जो है सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उस पर कभी भी जो है मैं समझता हूँ कि सवाल ना उठते हों लाजिम है, और कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन मैं सोचकर चलता हूँ जहाँ हजारों लोग आते हैं वहां पर जिस प्रकार से सरकारें व्यवस्था करती हैं और खासकर ऐसे काल में जबकि जो है एक बड़ी भयानक जो है त्रासदी चल रही है दुनिया में, वहां पर ये सोचना ही पड़ेगा हमको कि आखिर हमको बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो है अपना जो व्यवहार है उसको ठीक रखना पड़ेगा। और जो अव्यवस्था की बात आपने कही, मैं उसी पर आ रहा था कि जितनी तमाम नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ये जो नगर निगम के क्षेत्र हैं देहरादून से लेकर और बद्रीनाथ केदारनाथ तक, या फिर जो है हरिद्वार से लेकर जमुनोत्री गंगोत्री तक, विशेष रूप से उनको जो है बजट भी दिया गया है, उनको विशेष रूप से जो है पहले से जो है उस यात्रा के संदर्भ में उनको प्रशिक्षित उनके कर्मचारियों को करने का काम किया, जो यात्रा पुलिस है वो अलग से काम करती है, जो हमारे जल संस्थान पेयजल के विभाग है उनको अलग से बजट अलॉट हो चुका है पूर्व में ही। ये यात्रा होगी या नहीं इससे पूर्व की ये बात है, ये तो संत बना हुआ था ये हुआ है, लेकिन ये तमाम तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। उसके पश्चात भी सवाल लाजिम रहते हैं, कहीं पर जो है कोई बात हो जाती है तो अंततः जो है सरकार ही जो है एक ऐसा अमूर्त व्यक्ति है, अमूर्त संस्था है जिस पर जो है सवाल खड़े होते हैं, इसलिए सवालों की कोई बात नहीं। लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ चारधाम यात्रा को जिस प्रारूप में जो है उसकी अनुमति न्यायालय ने दी है उस प्रारूप में उसको पूर्ण करने के लिए जो है कृत संकल्प है, और हम चाहते हैं कि जो है निर्बाध रूप से जो है किसी प्रकार की जो है इसमें कोई किसी तरह की कोई इंसिडेंट ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की जनहानि ना हो, धनहानि ना हो, इस प्रकार से सरकार चौकन्नी है। और अपने तमाम सुभाष जी देखिए व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आस्था पर सिस्टम की मार, तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा खुल तो जरूर गई है लेकिन श्रद्धालुओं को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चर्चा में इसी पर कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना। हर घर नल योजना का लाभ, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी को नंबर वन बनाया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित की। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ महिलाओं का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अपनी मजबूत
और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। एक इरादे पूरे किए वादे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं आस्था पर सिस्टम की मार। सरकार ने चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में खोल दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और यहां पर आने के बाद श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीमित संख्या के कारण श्रद्धालुओं का पास नहीं बन पा रहा है और होटल फुल हो चुके हैं। अक्टूबर तक के पास पहले ही जारी हो चुके हैं, यात्रियों को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ रहा है। और सवाल यह है कि अगर सीमित संख्या में ये हाल है, यात्रा अगर सभी के लिए खुलती तो यहाँ पर क्या हाल होता। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सदी जी, मैं आपके पास आऊंगी सबसे पहले तो, और ब्रजेश अब मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। यात्रा खोल तो दी गई है लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है, आप लोगों को भी परेशानी हो रही है, होटल व्यवसायी जो है उनको भी परेशानी हो रही है। देखिए, जो त्रिवेंद्र सरकार ने देवस्थानम एक्ट बनाकर देवस्थानम बोर्ड गठित किया है, इसका खामियाजा न केवल जनता भुगत रही है बल्कि पुष्कर सिंह धामी सरकार भी इसका खामियाजा भुगत रही है। दरअसल जो देवस्थानम बोर्ड बना है, इसी के कारण ही जो अव्यवस्थाएं हो रही है, जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, इसके मूल में देवस्थानम बोर्ड है। देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 है, उसकी धारा 10 में एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 12 आईएएस ऑफिसरों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। और ये जो हाई पावर कमेटी थी, इसका गठन का उद्देश्य ही साफ एक्ट पर लिखा हुआ है कि चारधाम यात्रा का प्रबंधन और संबंधित विभागों से समन्वय है। अब ये बताइए, आपकी 2 साल इस तो हो गए हैं लेकिन ना तो आज तक इस हाई पावर कमेटी की कोई बैठक हुई है और नहीं इस हाई पावर कमेटी ने संबंधित विभागों से कोई कोऑर्डिनेशन किया है। अगर ये देवस्थानम बोर्ड या हाई पावर कमेटी समय पर सारे चारों धामों में अच्छी व्यवस्था कर लेती तो ये दिक्कतें नहीं होती, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपनी व्यवस्थाएं करती थी, गंगोत्री मंदिर समिति अपनी व्यवस्था करती थी और यमुनोत्री मंदिर समिति अपनी व्यवस्था करती थी, तो सारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से संचालित होती थी जी। इन्होंने क्या किया कि देवस्थानम बोर्ड बना दिया। देवस्थानम बोर्ड पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के अधीन है और ब्यूरोक्रेसी जैसी चाहती है वैसी उसी तरह से चल रही है। आज का मैं उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से ये बोर्ड काम कर रहा है। आम श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थपुरोहितों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बड़ी पाबंदियां हैं। आप गर्भगृह में नहीं जा सकते मंदिरों के, लेकिन आज ही प्रधानमंत्री के सलाहकार और वहाँ पीएमओ में उप सचिव वो लोग बाई एयर आए, उन्होंने केदारनाथ जी के गर्भगृह में जाके दर्शन भी कर लिए। तो इस तरह का ये मैनेजमेंट है, केवल जो है ब्यूरोक्रेसी में हाई पूरी हावी है और उसी का ये परिणाम है कि आज किस तरह की जो है ये व्यवस्थाएं हो रही है। बेहतर तो ये होता जी कि गंगोत्री में जो गंगोत्री मंदिर समिति है या यमुनोत्री में जो यमुनोत्री मंदिर समिति है, इन मंदिर समितियों को जो अभी भी काम कर रही है, पूजा व्यवस्थाएं, मंदिर प्रबंधन सब यही लोग कर रहे हैं, इनसे जो है सरकार एक समन्वय स्थापित करके इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की और वहां की व्यवस्थाओं के लिए अधिकृत करती, ताकि जो लोग ऑन स्पॉट भी वहां पर जा रहे हैं तो वो लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार सारे रुक करके वैक्सीनेशन जो है नहीं है या पास जो आरटीपीसीआर टेस्ट सब की जो है वो करके उनको जो है दर्शन करती और वहाँ की व्यवस्थाएं संबंधित मंदिर समितियों को देती, तो ये अव्यवस्था नहीं होती। अब इन्होंने क्या कर दिया कि देवस्थानम के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून का इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या रोल है हमें समझ में नहीं आ रहा है, जबकि संबंधित जो भी कंसर्न संस्थाएं हैं उनको इन्वॉल्व करती तो शायद इस तरह की दिक्कतें नहीं आती है। आप ये देखिएगा कि जो चार धाम की यात्रा करते यात्री आ रहे हैं, कल ही जो है राजस्थान के यात्री बद्रीनाथ के दर्शन किए उन्होंने, उसके बाद उनको केदारनाथ की यात्रा की परमिशन नहीं दी गई, तो उनका जो चार धाम यात्रा आने का उद्देश्य है वो तो असफल हो गया है। दूसरी बात यह है कि एक दिन
चारों धामों में 2800 ही तीर्थ यात्री एक दिन में चार धामों के दर्शन कर सकते हैं। तो और आप प्रस्थान बोर्ड खुद ही स्वीकार कर रहा है कि 70,000 से अधिक 15 अक्टूबर तक पूरी बुकिंग हो गई है। इस बीच कहते ये भी हमारे पास सूचनाएं आ रही है कि कई लोगों ने अपने रिजर्वेशन, एयर टिकट्स, बुकिंग सारी कैंसिल कर दी है इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए। जो 70,000 में से अगर 30,000 लोग ड्रॉप कर लेते हैं अपनी प्लानिंग यहाँ आने की, तो वो जो अन्य लोग आना चाहते हैं आपने तो स्टॉप कर दिया 15 अक्टूबर तक। तो बहुत सी खामियां हैं और इस जरूरत इस बात की है कि यात्रा के बुनियादी और तकनीकी पहलुओं के अध्ययन करने की जरूरत है। केवल देहरादून में बैठ के ये ब्यूरोक्रेसी जो है अगर चारों धामों की यात्रा प्रबंधन करेगी तो ये आने वाले दिनों में जो चार धाम यात्रा ये कह रहे हैं कि बेहतर होगी। हम तो समझते हैं कि यात्री आने से कतराएगा या जो लोग अभी यात्री आए हुए हैं जिस तरह से उन लोगों ने बहुत यहाँ पर जो है फेस की प्रॉब्लम, वो संदेश आज की डेट पे बहुत गलत देश भर में और विदेश में जा रहा है। इसलिए सरकार चाहिए कि ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करके पुरानी जो व्यवस्था है उसी पर अमल करे, उसी पर आगे बढ़े, तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। क्योंकि स्थानीय स्तर के जो बीटीसी के भी अधिकारी थे, टेंपल कैडर के अधिकारी थे, वो जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, किस तरह का मैनेज करना है, वो सारी परिस्थिति सब जानते हैं। अब आप देखिए जो हाई पावर की कमेटी है इसमें चीफ सेक्रेटरी के अलावा 12 IAS ऑफिसर इन्होंने रखे हैं, उसमें टूरिज्म सेक्रेटरी है, आपका धर्मस्व सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी है। तो मैंने सारे तो आपके अधिकारी वहां पर रख दिए हैं। अधिकारियों के पास पहले ही इतना दबाव है, एक एक अधिकारी के पास 4-4 पर्पस विभाग हैं, तो कैसे इस देवस्थान बोर्ड को कंसंट्रेट करेंगे। कुल मिला के जो है हमारे बड़पाल जी अपनी सरकार के बारे में जितने भी जो है पक्ष में बातें करें पूरी तरह से सरकार का मिसमैनेजमेंट है, सरकार की फेलियर है। और अभी भी सरकार चाहती है यात्रा बेहतर ढंग से हो, जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने एक साथ चारों धामों के दर्शन हो, तो उसके लिए जो है स्थानीय स्तर की जो समितियां हैं, जो तीर्थपुरोहित हैं, पुजारी हैं, प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, वहाँ के हाथों को पुजारी हैं, ट्रेवल एजेंसी से जुड़े लोग हैं, होटल व्यवसायी है, उन सबको विश्वास में लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके बेहतर यात्रा की जानी चाहिए। अब केवल एक महीने का इस यात्रा का रह गया है, तो हमें नहीं लगता बहुत इसके बेहतर परिणाम होंगे और इसके लिए सरकार और देवस्थान दोनों जिम्मेदार। जी जी सुभाष जी, तो अब आपको लग रहा होगा कि ब्रजेश जी जो है वो भी विपक्ष में, लखपत जिस तरीके से लखपत बुटोला जी अभी कह रहे थे, तो आपने तो साफ साफ कह दिया कि कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम कहना है। तो क्या ये जो अध्यक्ष हैं होटल एसोसिएशन के, या फिर जो तीर्थ पुरोहित हैं, या फिर ये जो यात्री हमारे साथ बैठे, ये सब विपक्ष के, ये दुश्मन है सरकार के? सुभाष जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अव्यवस्था है लगातार, ये कहा जाता रहा आपकी डिबेट के अंदर कि साहब बहुत अव्यवस्था है, लेकिन अव्यवस्था तो आप बताइए कि अगर कोई यात्री जो है रात भर खुले में सोया हो, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है, यात्रा मार्गों पर किसी को भोजन उपलब्ध न हुआ हो, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है, पेयजल किसी को उपलब्ध न हुआ, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। आप देखिए किसी को पुलिस कर्मियों ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी यात्री से अभद्रता की हो, ऐसी कोई सूचना नहीं है। यात्रा का वाहन जो चार धाम यात्रा में तय होते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश के, वो किसी को न मिले हो, ऐसी कोई सूचना किसी ने आकर सरकार को नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं की है, तो फिर अव्यवस्था किस बात की आप बताइए। अगर आप ये चाहते हैं सुभाष जी, अगर आप कलकत्ता जाएं और आप सुनिए सुभाष जी, अगर आप कलकत्ता जाएं काली जी के दर्शन करने के लिए और 5 दिन आपको वहां पर दर्शन ना करने दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो आप वहां पर गाली बकते हुए सरकार को वापस आएंगे? तो आप देखोगे कि छवि नहीं खराब कर रहे, यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी ब्रजेश जी बता रहे थे कि राजस्थान से कुछ लोग आए थे, वो दर्शन नहीं कर पा रहे, कोई दर्शन ही नहीं कर पा रहा है। देवस्थानम बोर्ड आपने इसलिए गठित किया था, आप कह रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड से लोगों का भला होगा। बार बार एक ही बात को रटने से कुछ नहीं होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यवस्था बनी है कि अगर कलकत्ता जाकर मुझे जो है कलकत्ता किसी देवी की जो है दर्शन करने हैं और उसके लिए नियम ये है कि मुझे पहले जो है अपने घर से ई पास तय करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो कानून है। और इसलिए मैं कलकत्ता पहुंच जाऊं और वहां जाके हल्ला करने लगूं कि नहीं जी मैं तो जाऊंगा, तो फिर ऐसा नहीं होता है ना, इस बात को समझिए आप। ये कोरोना काल है और कोरोना काल में ये तो ये बात आप अपने नेताओं और मंत्रियों को भी तो समझाइए सुभाष जी, या फिर चारधाम यात्रा में ही सारे प्रतिबंध लगेंगे। आपके नेता रैली कर रहे हैं, मंत्री रैली कर रहे हैं, मुंह में मास्क है नहीं है उससे आपको मतलब नहीं, या फिर चारधाम यात्रा में ही सब कुछ है?
अरे मेरी बहन जी, हम थोड़े ही लगा रहे हैं, ये तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उसकी गाइडलाइन के हिसाब से, हमारी तरफ से तो आप खोल दीजिए। अगर सरकार पे ऊपर इतना दबाव जो है जनता का रहेगा कि साहब खोल दीजिए, तो फिर कोरोना से कैसे लड़ेंगे आप बताइए ना। मास्क का जो है कैसे पालन कराया बताइए, जी मैं यही कह रहा हूँ। लखपत जी, कुंभ में कुछ हुआ तो उस पर कितना बवाल मचा आप देखिए, तो कुंभ में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए तो ये न्यायालय जी, सुभाष जी रुक जाइए, लखपत जी कुछ कहना चाहते हैं। जी लखपत जी, पहले तो बड़पाल जी ने शुरू में अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार एक अमूर्त संख्या, एक अमूर्त संस्था है जिस पे आरोप लगाए गए। निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी बात की, सरकार मृत हो चुकी है, इस सुनाएगा आदमी उसको पीड़ा दर्द उसको छलकाएगा जो सुने। सरकारें जीती जाती संस्थाएं होती हैं। और भैया मृत में और अमूर्त में अंतर होता है, ये शब्दों को अगर हिंदी ना आती हो मेरे भाई, तो जरा अमूर्त में और मृत में अंतर होता है जी। अमूर्त माने होते हैं अदृश्य, और अदृश्य भगवान भी होता है, अदृश्य जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। बड़पाल जी, जिस शब्द का आप हिंदी आपसे बेहतर मुझे आती है, आप बेहतर आती है तो तभी आप गलत अर्थ बता रहे हैं उसका। आपने अमूर्त संघ, सरकारें जीती जाती संस्था होती, मैंने आपसे पहले भी कहा ये मृत नहीं होती है, अदृश्य नहीं होती। जो बात आप अमूर्त का अर्थ मृत नहीं होता, जरा डिक्शनरी निकालिए आप। अदृश्य है, ठीक है। अरे मृत तो कांग्रेस हुई है, कांग्रेस मृत हुई है देश के अंदर, और एक एक करके सिमट रही है सारे राज्यों से। सत्ता में इसको कहते हैं मृत होना, जब आप लगातार सिमटते तीन राज्यों में रह जाते हैं, आप जो है 20 प्रदेशों से 3 प्रदेश पर आकर टिक जाते हैं, इसको मृत कहते हैं, सरकार को नहीं कहते कभी। आपने जिस तरह सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्म का जो अपमान करने का काम किया है, निश्चित रूप से उसका आपको आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से बद्रीनाथ के अंदर आपने नमाज पढ़ाने का काम किया, वो आपकी सरकार के, यदि ये सरकार मृत नहीं होती। क्या क्या बोलते रहते हो यार, क्या क्या बोलते रहते हो यार, मैं आप क्या क्या बोलते रहते हो, कितने कहां नमाज को लेकर आते हो बीच में से। हमारी तरफ से झूठ नहीं कहते हम चैनलों पे। अरे भैया तुम मुद्दे पर बात करो ना, अरे आपके आपके मुद्दे पर बात करो ना, पेयजल पे बात करो, आप भोजन पे बात करो, या चार धाम के लिए वाहनों पर बात करो, सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार पर बात करो, उल्टी उल्टी बातें करोगे जो है उससे क्या होगा। जिम्मेदारी नहीं आपके नेता, पता नहीं कहाँ कहाँ की सुनाते हो, भ्रष्टाचार करेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की रहेगी। आप चार धाम कहाँ का भ्रष्टाचार, कौन सा भ्रष्टाचार बताओ ना, कहाँ किया, यदि वो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे, हाईकोर्ट के अंदर आपने पिछले 4 महीने से यात्रा शुरू नहीं कर पाए, तो व्यवसायियों के व्यवसायियों की दिक्कत को देखते हुए ही तो ये यात्रा खुली है मेरे भाई। व्यावसायिक गतिविधियों की दिक्कत को देखते हुए ही यात्रा को खोलने का काम हुआ है सीमित संख्या में, व्यावसायिक मित्रों की जो आजीविका है उसको देखते हुए ही हुआ है। खाने के लिए शुरू करने की आपके पास की नहीं यात्रा कर, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बदलने में, भ्रष्टाचार करने में, जिस तरह से आपकी सरकार महिलाओं के जिस तरह से उत्पीड़न कर रही है। अरे मुख्यमंत्री बदलने का उससे क्या मतलब है भाई, चार धाम यात्रा से क्या मतलब है, उत्तराखंड से मतलब क्या मतलब है, महिला असुरक्षित है क्या उत्तराखंड से मतलब नहीं, आप ये बताओ। भ्रष्टाचार आप नहीं करोगे मतलब नहीं, कर्मकांड में भ्रष्टाचार को मतलब नहीं है, आप ये बताओ बद्री केदार के अंदर देवस्थान बताओ ना भैया कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, हाईकोर्ट प्रमाण के साथ बताओ ना, आरोप लगे हैं आप प्रमाण के साथ बताओ ना, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे। अरे आरोप तो नहीं, मैं आरोप दे रहा हूँ, आप मैं झूठ कर आपके यहाँ तो साबित हो गया मुख्यमंत्री हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अरे हमारे यहाँ तो आरोप लगे आपके यहाँ तो मुख्यमंत्रियों पर साबित हो गया, आपके यहाँ के लोग तो जेलों में रहे, मंत्री जो है यूपीए सरकार के मंत्री जेलों में रहे, जेलें भर गई यूपीए सरकार में मंत्रियों से, जेलें भर गई, आप बताओ। तो हमारे यहाँ तो आरोप लगे ना, कोई किसी पर साबित तो नहीं हुआ है, जमानत पे घूम रहे हैं आपके 3-3 विधायक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके जमानत घूम रहे, क्या उत्तराखंड की छवि ठीक हो रही, 3-3 मुख्यमंत्री आप कोरोना काल में बदल रहे, तब कोरोना काल नहीं, जब चार धाम यात्रा हो, जब आपको कुंभ करना हो तब आपके लिए कोरोना हो जाता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार करना हो, आपको रैलियां करनी हो, आपको चुनाव करने हो। अरे भैया ये तो बोल रहे, ये भाषण मत दो ना, ये भाषण मत दो यार, जिस तरह से सुन लीजिए, ये भाषण मत दो ना, एक व्यक्ति तुम बता नहीं पाए पूरी डिबेट के दौरान कि जिसने ये कहा हो कि मुझे यात्रा में ये अव्यवस्था हुई, मुझे ये दिक्कत हुई, एक कोई आदमी आप खड़ा नहीं कर पाए कि जिसने ये कहा हो कि जो है हमको जो है दिक्कत हो रही है, आप बताइए, जिसने कहा हो मुझे जो है भोजन नहीं मिला, जिसने कहा पानी नहीं मिला, जिसने कहा शौचालय नहीं मिला, जिसने कहा आवास नहीं मिला, जिसने कहा मुझे सरकारी कर्मचारी। सुभाष जी, क्या आपने अभी श्री कुमार चटर्जी जी को नहीं सुना?
शिव कुमार चटर्जी को सुना मैंने, तो वो ई पास अगर जो है पहले से लेकर आते तो उनकी व्यवस्था होती है। पहली बार पास उन्हें नहीं मिला आपके देवस्थानम बोर्ड की वजह से नहीं मिला। साइट पे कई लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि वहां पर पास के लिए अप्लाई किया जाता है पर नहीं हो पा रहा। केवल हिंदुस्तान के लोग कुंभ करने नहीं आते, पूरी दुनिया के जो है 100 से अधिक देशों से लोग जो यहाँ आते हैं और जब जो है देवस्थान बोर्ड की साइट पर वो सारे जाते हैं तो वो हैंग होगी, उसमें क्या है? हैंग होगी तो उसका इंतजार करना पड़ेगा आदमी को। आप बिना इंतजार किए बिना परमिशन लिए आप आएगा कोई भी तो दिक्कत तो होगी ना। सरकार इसको कोशिश कर रही है कि इसका सरलीकरण किया जाए, लेकिन अब चूंकि फौरी तौर पर व्यवस्था हुआ है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जिम्मेदार वो यात्री है जो उत्तराखंड में आ रहा, वो उत्तराखंड ना आए, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये केवल अयाशी करे, मौज करे, मस्ती करे, भ्रष्टाचार करे, कुंभ में लूटे। अरे मुझसे मुंह मत खुलवाओ मुटोला जी, मुझे पता है सरकार में क्या क्या हो रहा है। फिलहाल इस बात का जवाब दीजिए, उल्टी दिशा में मत ले जाइए इस विषय को। स्वागत है देवभूमि के दर्शन। अरे इस विषय को उल्टी दिशा में मत ले जाइए, आप व्यवस्था पर बात कीजिए। आप कह रहे क्यों आए लखपत जी, हम यहाँ पर चार धाम यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं चार धाम यात्रा पर यहाँ बात हो रही है। चार धाम की तो बात कर रहा हूँ सुभाष जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, क्या आपने श्री कुमार चटर्जी जी को अभी तक नहीं सुना? श्री कुमार जी आप जरा फिर से सुनिए, आप नहीं सुन रहे हैं, फिर से सुनिए श्री कुमार जी, आप सुनाइए जरा कि क्या कुछ आपको समस्या हुई है। सुभाष जी मैं क्या आपको बोलता है, सुभाष जी आप ध्यान में सुनिए, हम 19 तारीख ट्रेन में चढ़ा, 16 तारीख आपको राय दिया हाईकोर्ट राय दिया 16 तारीख मंदिर खुलने का, ध्यान में सुनिए। 17-18 आपको बोला, आपको न्यूज नहीं दिया मंदिर खुलने का, चारों मंदिर खुल गया, आप सारे टीवी चैनल में दिखाया चार धाम चालू हो गया, मगर कोई टीवी चैनल में आप बोला देवस्थान का टिकट पास बनाना पड़ेगा, आपको वो टिकट अलग अलग से मिलेगा, आपको साइड में जाना पड़ेगा, वो बनाने तब आएगा तब मिलेगा दर्शन का, आपको अनाउंसमेंट पेपर में आप बंगाली पेपर में दिखा, आप लोकल पेपर में आप अनाउंस करके लोकल आदमी को आप ध्यान में दिया, हमारा क्या फायदा होगा लोकल पेपर में? आप एक तो सरकार है, आपका जिम्मेदारी है, आप आदमी को खुल दिया मंदिर को आने के लिए बोला, और आपका ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आज परेशान में पड़ा है होटल में, इसका खर्चा कौन देगा? हमारा शेड्यूल क्या प्रोग्राम है? चटर्जी जी इन्हें हिंदुस्तान के अंदर चुनाव जीतना है, इनके पूरा संगठन तो चुनाव मैनेजमेंट पे लगा हुआ है, बूथ मैनेजमेंट पे लगा हुआ है। लखपत जी आपके पास आ रहे, श्री कुमार जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कल रिटर्न हो जाता है बहुत दुख से, हम बहुत तत्काल टिकट बना के सब वापस हो जाता है, हम कैसे जाएगा? ईमानदारी लगा हमारा रिटर्न होगा कि नहीं होगा? आप देवस्थान बोल के नाटक बना दिया, देवस्थान बोल के उसका हो गया ना, बहुत लंबा, इतना लंबा बोलने की जरूरत क्या है? सुभाष जी लंबा नहीं, हो गया क्लियर, हो गया आपकी बात क्लियर हो गई। आप किसकी सुनेंगे? अगर आप विपक्ष की नहीं सुनेंगे, आप यात्री की नहीं सुनेंगे, आप अध्यक्ष की नहीं सुनेंगे, आप पंडा पुरोहितों की नहीं सुनेंगे, आप किसकी सुनेंगे? होटल वालों की नहीं सुनी। अरे सबकी सुनी है तभी तो जो है जो SLP वापस ली सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार ने, तभी तो ली है ना, सब लोगों की, सब पक्षों की सुनी, व्यापारियों की सुनी, पंडा पुरोहितों की सुनी, तब सुप्रीम कोर्ट जाकर SLP वापस ली गई, क्योंकि जो है सबके कारोबार का विषय है, सबके जो है कामकाज का विषय है, उत्तराखंड में जो लोग जुड़े हैं, तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जाकर आपने यात्रा शुरू करवाई, आपने कहा कि ये लाइफ लाइन है। मैं बताता हूँ उस पर, देखिए बात ये है कि चटर्जी साहब ने ये कहा कि आपको अखबारों में ये देना चाहिए था और आपको जो है समाचार चैनल में, देखिए बात ये है कि ये तो स्वाभाविक अंडरस्टूड है कि अगर इस समय जो है कोरोना काल में कोई यात्रा जो है आयोजित हो रही है और उस पर जब आपका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का आया, हाईकोर्ट ने जो है इस पर वर्डिक्ट दिया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है वर्डिक्ट में कि इसको जो है अपनी सरकार जो है गाइडलाइन बनाए, जो कोरोना जो इस समय डिजास्टर एक्ट देश के अंदर लागू है उसके तहत गाइडलाइन बनाए और उस हिसाब से जो यात्रा संचालित हो, तो क्लियर हो गया कि भाई वो उस एक्ट के तहत किसी को भी अगर जो उत्तराखंड आना है तो उसको परमिशन लेनी है, ये अनिश्चित है, इसमें जो है अलग से कोई व्यवस्था, लेकिन उस पर भी जो है सरकार का वक्तव्य ये आया था और सरकार ने कहा कि यात्रा सीमित होगी और जो है प्रतिबंधों के साथ होगी,
अब उसमें कोई ये कहे कि साहब वो फलाने अखबार में क्यों नहीं छपा, अब वो वहां वाले में क्यों नहीं छपा, यहाँ वाले में क्यों नहीं छपा, ऐसा नहीं होता है ना। बात यह है कि ये विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियों में यात्रा हो रही है और इन विशेष परिस्थितियों में स्वयं ही जो है लोगों को इस तरह की चीजें जो है पता भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ नहीं किया तो उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। यदि समय पे सारी तैयारियां की जाती तो ये मेहनत नहीं आती। आपके देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष आपके संस्कृति मंत्री हैं, क्यों नहीं आपने जो है जब चार माह कपाट खुलने के हो गए तो इस बीच कम से कम यात्रा समीक्षा बैठक आयोजित तो की जा सकती थी। आखिर ऐसे क्यों नहीं किया गया पहले? तो जब देवस्थान देखिए चार धाम से जुड़ी हुई बैठकें, चार धाम से जुड़ी हुई बैठकें केवल जो है यात्रा के समय नहीं होती है। जाती थी यात्रा समीक्षा बैठक आयोजित जाती थी और उसके बाद जो है किसी को बता के थोड़ी ही होती है। वो शासन स्तर पर हर रोज जो है रिव्यू होता है। सुनिए, शासन स्तर पर सरकार के स्तर पर हर रोज रिव्यू होता है। आज कितने यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, आज कितने यात्रियों को ई पास जारी हुआ, आज कितने यात्री जो है केदारनाथ में, आज कितने यात्री बद्रीनाथ में, आज कितने यात्री गंगोत्री में, आज कितने जमुनोत्री में है, ये कोई बता के थोड़ा ही होता है कि वो बताया जाएगा किसी को कि साहब हमने ये किया है। तो सुभाष जी एक मिनट, आप ये मान रहे हैं मतलब कि ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है? सीधे सीधे मानिए कि आप मिसमैनेजमेंट है। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अव्यवस्थाएं, हम ये नहीं बता सकते, हम आपको वो नहीं बता सकते, तो आप क्या बता सकते हैं? हम तो भाई व्यवस्था के तहत तो आदमी की यात्रा वाहनों का विषय होता है, आदमी को पुलिस उपलब्ध नहीं है उसका विषय होता है, भोजन उपलब्ध नहीं उसका विषय होता है, आवास उपलब्ध नहीं उसका विषय होता है, यात्रा का ये होता है, यात्रा का संबंधित यात्री को जो है उसके लिए नियम बनाया गया है कि आपको तभी आना है जब आपको ई पास मिल जाएगा, जब आपको अनुमति मिल जाएगी, और जगह जगह पर चेक हो भी रहा है, इसीलिए हो रहा है। आज से पहले तो कभी नहीं होता था, कितनी भी संख्या में लोग जाते थे तो कहीं पुलिस चेक नहीं करती थी, लेकिन चूंकि अब इसमें एक व्यवस्था है और डिजास्टर एक्ट के तहत कि आपको चेक भी करना है, आपको पास के साथ जाना है, आपको अनुमति के साथ जाना है, व्यवस्था है, उसको आप कैसे अनदेखा कर देंगे? ठीक है, कहीं पर किसी तरह की जो सारे रिव्यू में आ रही है कोई इस तरह की जो चीजें हैं उसे सरकार ठीक यात्रा के दौरान ठीक करने के लिए तो बैठी है सरकार, वो करती है, वो जो एक्सरसाइज होती है, मैंने कहा रिव्यू होता है सामने सरकार के सामने, मुख्यमंत्री करते हैं, जो संबंधित विभागों के पुलिस के लोग हैं, जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो पेयजल से जुड़े, वो शाम को रिव्यू करते हैं कहाँ क्या दिक्कत है, और उस आधार पर जो है कोशिश होती है। सुन लीजिए, समीक्षा होती है तो हमारे जो बंगाल से आए हुए तीर्थयात्री हैं वो चैनल को अपना जब नहीं जब्त करते। जिस तरह से आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, इसी तरह से आपकी सरकार भी भाग रही है। जिस तरह से आपने कहा सरकार एक अमूर्त संस्था है, यही आपका वक्तव्य बताता है आप कितने जिम्मेदार हैं जनता के प्रति और अपनी जवाबदेही के प्रति। आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है बुटोला जी, प्रत्येक आदमी का स्वागत, आपको कुछ पता नहीं है बुटोला भाई, आप जो है हमें व्यवस्थाएं देनी चाहिए। एक ही चीज कट गए हुए हैं आप, सुन लीजिए, कल जिस तरह हाट गांव के अंदर लोगों को मारने पीटने का काम किया गया आपकी सरकार के द्वारा चमोली के अंदर, वो भी आपको, आप अनभिज्ञ भी होंगे क्योंकि आपको पता नहीं आपकी सरकार उन लोगों के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई। इस यात्रा को खुलवाने के लिए हमने जिस तरह से डंडे तक खाए, जिस तरह से हम पे अत्याचार हुए, वो किसी से छुपे, यदि आपकी सरकार जवाबदेह होती 4 महीने पहले यात्रा खुल गई होती, और आपने जो बात हाईकोर्ट में 4 दिन पहले कही वही 4 महीने पहले यही बात कही होती और सरकार से आपसे जवाब दे मांगे। जब जवाब 4 महीने पहले आप क्या चाहते थे कि जो है कोरोना के बीच में, भीषण कोरोना के बीच में आप यात्रा करवा सकते थे? बार बार कोरोना और ये मास्क और सैनिटाइजर और ये प्रोटोकॉल का ज्ञान तो आप मत ही दीजिए। पिछले आधे घंटे से मैं सुन रही हूँ कि आपको किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है, आप किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है सुभाष जी, और ना ही आपकी सरकार किसी बात की जिम्मेदारी ले रही है। किसी से छुपी हुई, मैं ये कह रहा हूँ ये 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं कि 4 महीने पहले खुल जाती, 4 महीने पहले क्या रुक जाइए, आप अगर 4 महीने पहले कह रहे हैं तो 4 महीने पहले प्रदेश में क्या हालात है आप बताइए, किस तरह से बचकानी बात आप करोगे? 4 महीने जो अफरा तफरी का आलम था, जो लोग जी वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वही बात ये फिर कह रहे हैं सरकार जो है, मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 4 महीने पहले भले ही हालात कुछ और रहे हो, लेकिन रैली और जिस तरीके से आपके मंत्री घूम रहे थे और जिस तरीके से अन्य स्थान खुल गए थे, उसके बाद चार धाम में जिस तरीके से प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं
व्यापारी उससे परेशान हो रहे हैं, पंडा पुरोहित परेशान हो रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं आपकी मंशा साफ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम बात कर रहे हैं आस्था पर सिस्टम की मार, जिस तरीके से आज ये हालात देखने को मिल रहे हैं कि चार धाम की यात्रा शुरू तो कर दी गई है, और इसी बीच आपको प्रयागराज से बड़ी खबर बता देते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, आनंद गिरी की जेल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग, सुरक्षा को लेकर जेल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आनंद गिरी के वकील ने कोर्ट में पत्र दिया। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, आनंद गिरी जो कि इस वक्त जेल में है, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर जेल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आनंद गिरी के वकील ने पत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, आनंद गिरी की जेल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग। आपको बता दें कि मां नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जो सुसाइड नोट मिला था, उसमें आनंद गिरी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा था। उसके बाद वो जेल में है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। और इसी बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, डंपरों में आमने सामने हुई टक्कर, एक्सीडेंट के बाद डंपरों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, तीन लोग गंभीर रूप से झुलसे। हादसे में एक की मौत, तीन गंभीर रूप से झुलसे। कानपुर सागर हाईवे पर लगा है भीषण जाम। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची मौके पर। कानपुर से खबर, जहां पर डंपरों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद डंपरों में भीषण आग लग गई। और ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, डंपरों में भीषण आग लग गई। एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है और दो लोग झुलस गए। एक्सीडेंट के बाद डंपरों में लगी भीषण आग, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुर, कानपुर सागर हाईवे पर भीषण जाम भी लगा हुआ है और ये डंपर जो है ये आपस में टकरा गए थे, क्या कुछ पूरा मामला है? कि आपको बता दें, बिजनू थाना क्षेत्र के रमीपुर का ही पूरा मामला, जहां पे आमने सामने दो डंपरों की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण उसमें आग लग गई है। दोनों में जो चालक बैठे थे और जो लोग सवारी बैठी थी, जिसमें से एक की मौके मौत हो गई है और तीन लोग को क्षेत्रीय लोगों ने निकाल के बचा लिया है। जो कि थोड़ा झुलस गए उनको पुलिस मौके पहुंची थी, उनको प्राथमिक उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और फायर ब्रिगेड को मौके बुला के आग पे काबू पाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर तमाम जानकारी के लिए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल कानपुर सागर हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।